मामला बुलंदशहर जिले के ब्लॉक बीवी नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां डॉक्टर योगेश चंद्र ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों के इलाज के लिए बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराई है, जैसे एक्सरे, सीबीसी आदि। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र चंद्र ने डीबी भारती की टीम से बात करते हुए बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण मौसमी बीमारी ने दस्तक दे दी है, जिसमें मच्छर के कारण होने वाले रोगों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। है आप सभी लोगों का हमारे खास कार्यक्रम चलो गांव की ओर में, चलो गांव की ओर प्रोग्राम को लेकर के आज हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीबी नगर में, जहां पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चिकित्सा अधीक्षक योगेश चंद शर्मा। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से ये मौसम परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार बहुत सी बीमारियाँ पनप रही हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? आजकल जो मौसम परिवर्तन हुआ, जो अभी बरसात का मौसम काफ़ी ज़्यादा रहा है, इस बार बारिश भी ज़्यादा हुई है और अभी भी बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में मच्छर जनित बीमारियां जो है ना ज़्यादा फैलती हैं। संचारी रोग में जिस तरह से मच्छर के द्वारा बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया और अपना मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सभी बीमारियां बरसात के मौसम में ज़्यादा पनपती हैं। और इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? इन बीमारियों से बचने के लिए अभी तक जो देखा गया है, जो मैं अभी देख रहा हूँ, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं इन बीमारियों को पनपने के लिए। तो इस जो मैं अभी देख रहा हूँ, जो अभी ट्रेंड आ रहा है, उसमें ही वायरल बुखार ज़्यादा चल रहा है और जो जाँच कराने में हमें ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट मिल रहे हैं वो डेंगू के मिल रहे हैं। अभी हमारे ब्लॉक में तो नहीं मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो कई जगह से इस तरह के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और बचने की जहाँ तक बात है, तो बचाव के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी है साफ़ सफाई और आसपास, अपने घर के आसपास पानी ना हो, रुकने दें, रुका हुआ पानी ना हो, समय समय पर एंटी लार्वा, जिस मच्छर पनपते हैं, जो पानी पर पनपते हैं, उस दवाई का छिड़काव हो जाना चाहिए और पूरी बाजू के, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने। सुबह शाम ये जो मच्छर है, ये डेंगू मच्छर है, सुबह के शाम काटता है, तो इस तो समय पर कोशिश करें घर से बाहर कम निकला जाए, रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करा जाए। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, इनके क्या क्या लक्षण हैं? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया लगभग इन सभी में देखा जाए तो एक जैसे ही लक्षण आते हैं, सभी में बुखार होगा, हल्की ठंड लगेगी, जी मिचलाएगा, उल्टी आएगा, सिर में दर्द होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा, पेट में भी दर्द हो सकता है, बदन दर्द होगा, तो ये और कुछ समय बाद, 2-3 दिन बाद उल्टियाँ भी लग जाती हैं और पेट में दर्द वगैरह इस तरह की पिक्चर देखी जाती है। लगभग एक जैसी ही परेशानियाँ हैं, ये हम तभी आपस में एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं कन्फर्म कि ये क्या है वो जाँच कराने पर, अदरवाइज सबकी शुरुआत लगभग एक जैसी ही होती है और सभी का इलाज मलेरिया को छोड़ के, मलेरिया अगर कन्फर्म हो जाता है उसकी तो हमारे पास दवाई है, एंटी मलेरियल दवाई है, जो मलेरिया की दवाई देंगे मरीज को लाभ मिलेगा, अदरवाइज सभी के दवाई सिम्टोमेटिक दवाई है, बुखार है तो बुखार की दवाई है, दर्द है तो दर्द की दवाई, पानी की कमी है तो पानी का रिप्लेसमेंट करना, अगर आदमी को उल्टी नहीं हो रही है तो हम खाने पीने को ज़्यादा बोलेंगे और अगर उल्टियाँ हो रही हैं तो फिर उसको फ्लोर और भर्ती करके फ्लोर चढ़ाना पड़ता है। प्लेटलेट क्या है और शरीर में इसका क्या महत्व है? प्लेटलेट एक खून का ही पार्ट है, इनका काम होता है ब्लड को थक्का जमाने का, इनका काम है थक्का जमाने का और ये खून का ही एक पार्ट है। इनकी कमी से खून को जमने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो आजकल जो मौत होती है, डेंगू हीमोरेजिक सिंड्रोम जिसमें बोलते हैं, प्लेटलेट बहुत कम हो जाती है, खून जम नहीं पाता और कहीं से ब्लीडिंग होने लगती है, चाहे वो लेटरिन के रास्ते हो, चाहे मुँह से हो, नाक से, इवन कभी कभी ब्रेन में भी हो जाती है, जिससे पेशेंट की मौत हो जाती है। प्लेटलेट बढ़ाने के क्या क्या उपाय हैं? प्लेटलेट बनाने के कोई उपाय नहीं है, नहीं प्लेटलेट किसी दवाई से बनती है, हाँ अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो एक स्वस्थ व्यक्ति से प्लेटलेट निकाल करके एक बीमार व्यक्ति को चढ़ाई जाती है, वो उसके एक अपनी इंडिकेशन है कि कब किस समय चढ़ानी चाहिए और कितनी मात्रा में चढ़ानी चाहिए, ये अपने कोई दवाई या किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है, नहीं कोई दवाई आती जो इसको प्लेटलेट को बढ़ा दे। जिस प्रकार से देखा गया है कि प्लेटलेट कम होने पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डॉक्टर हैं मरीजों को बरगला देते हैं कि हमारी प्लेटलेट कम हो गई तो मैं डेंगू हो गया, क्या ऐसा है? मैं आपके माध्यम से ये सभी को बताना चाहूँगा,
प्लेटलेट को घबराने प्लेटलेट को लेकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। जब कोई वायरस अटैक करता है तो ये कम होना शुरू हो जाती हैं। कम होने का मतलब ये नहीं है कि कोई खतरा आ गया है। कभी कभी देखा गया है कि 1.5 लाख से कम 1,40,000 होगी, 1,30,000 होगी, मरीज को परेशान कर दिया जाता है, तुम्हारी तो प्लेटलेट कम होगी, चलो तुम भर्ती हो जाओ, तुम प्लेटलेट चढ़वाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। तो ये सब बेकार की बातें हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। प्लेटलेट लेकर के प्लेटलेट 10,000, 20,000, 30,000 तक भी पेशेंट आराम से ठीक हो जाते हैं, बशर्ते कि कहीं से ब्लीडिंग ना हो। हाँ, अगर प्लेटलेट 1,20,000 हैं, 1,30,000 हैं और कहीं से ब्लीडिंग शुरू होगी, वो इंडिकेशन है मरीज़ को भर्ती करके प्लेटलेट चढ़ाने की। अगर कभी किसी मरीज़ को माना 40,000 प्लेटलेट हैं और कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही, मरीज़ स्वस्थ है, खा पी रहा है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी देखा गया है कि वायरल बुखार में प्लेटलेट कम हो जाती हैं, उसका क्या कारण है? इसका अभी तक कोई ऐसा खास वजह निकल के नहीं आई है, ना कोई रिसर्च में अभी आई है, लेकिन ये देखा गया है कि जो आजकल वायरल बुखार चल रहा है, सभी में ही प्लेटलेट कम होती हैं। तो प्लेटलेट को लेकर के बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई बकरी का दूध, ना ही कोई कीवी, ना ही कोई गिलोय प्लेटलेट बढ़ाती है। ये सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ा सकती हैं, ये प्लेटलेट नहीं बढ़ाएंगी। मैं पूरे इस बुखार को एक वाक्य में समराइज़ कर दूंगा। अभी कोई भी बुखार है, आजकल जो बुखार चल रहा है वो 5 से 7 दिन लेता है बुखार ठीक होने में। शुरू के 5, 6, 7 दिन बुखार रहेगा, जब तक दवाई का असर रहेगा बुखार उतर जाएगा, फिर बुखार चढ़ जाएगा। इसके बाद 6, 7, 8 दिन बुखार, 6 दिन से बुखार उतरना शुरू हो जाएगा और उसी समय प्लेटलेट गिरती हैं। 6, 7, 8 दिन प्लेटलेट गिरेंगी और 8, 9, 10 दिन से प्लेटलेट अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएंगी। हमें क्या करना है, इस 1 से लेकर के 9-10 दिन तक सिर्फ मरीज़ को बुखार है तो बुखार की दवाई, पानी की कमी है तो पानी की पूर्ति करना और टोटल बेड रेस्ट करना, बेड रेस्ट की पर देंगे। और पानी चाहे वो सादा पानी हो, चाहे ORS का पानी हो, चाहे छाछ हो, दूध हो, कोई भी फल हो, सब चीज़ ले सकते हैं भरपूर मात्रा में। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।